नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमारी ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में आज हम पद्म विभूषण पुरस्कार की चर्चा करेंगे, जिसकी इमेज आपके सामने दिखाई दे रही है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई थी और भारत रत्न के बाद यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है या पुरस्कार है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान में पुरस्कार स्वरूप कांस्य का एक बिल्ला मिलता है। इसके केंद्र में एक कमल का फूल होता है। इसमें सफ़ेद रंग की फूल की पत्तियां होती है। जो कमल का फूल होता है उसमें सफ़ेद रंग की कमल की पत्तियां होती है। इस फूल के ऊपर पद्म और नीचे क्या विभूषण लिखा रहता है। वहीं इस बिल्ले के पिछले हिस्से में अशोक चिन्ह बना रहता है। क्या बना रहता है? अशोक चिन्ह बना रहता है। और इस बिल्ले को पहनाने के लिए आपको हल्के गुलाबी रंग की रिबन के साथ इस बिल्ले को पहनाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है दोस्तों? नेक्स्ट हमारे पास है पद्म भूषण पुरस्कार, जिसके आपके सामने इमेज दिखाई दे रही है। तो यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही दिया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 में भी हुई थी। तो यह पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान में भी कांसे का बिल्ला दिया जाता है। इसमें भी बीच में कमल का फूल बना होता है, जिसकी तीन पत्तियाँ इसे घेरे रहती है। इस फूल के ऊपर पद्म और नीचे क्या विभूषण लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? विभूषण। पद्म ऊपर पद्म और नीचे भूषण लिखा रहता है। इसकी यह जो रिबन बनी होती है वो आपको इमेज में दिखाई दे रही है, हल्के गुलाबी रंग की, और बीच में क्या वाइट यानी सफ़ेद रंग की एक पट्टी बनी रहती है। तो नेक्स्ट हमारे पास पुरस्कार कौन सा? पद्म श्री। तो इसकी आपकी इमेज आपके सामने दिखाई दे रही है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और पद्म श्री पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है। यह इस सम्मान में भी कांसे का बिल्ला दिया जाता है, जिसमें कमल का फूल बना रहता है और इसकी रिबन होती है जो हल्के गुलाबी रंग की और बीच में दो वाइट पट्टियां बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।